गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब जो है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, लाइक प्रोडक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट फिक्स्ड कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ये लैंड, तो ये जो सबसे पहले लैंड था आपका, देन फिक्स कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो है फोर फैक्टर्स हैं विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था विलेज पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, लेकिन हम उसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक विलेज मान के चलते हैं कि यूपी के कहीं वेस्ट में ये जो है विलेज सिचुएटेड है। अब हम देखते हैं कि विलेज पालमपुर में जो है मुख्य जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। वैसे तो इससे पहले आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई था कि जो विलेज पालमपुर है वहाँ पे लोग जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप करके पैसे कमाते हो अपने अपने जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो देन टीचिंग इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी। योर फादर इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, आपके फादर फार्मर है, इट मीन्स फार्मिंग इज योर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ योर फैमिली। तो जो भी आप काम करते हो, कामकाज करते हो, एक्टिविटी करते हो जिससे आपको इनकम होती है, तो उसको हम इकोनॉमिक, इकोनॉमी मीन्स अर्थ, अर्थ मतलब उसमें वो नहीं, अर्थ मीन्स की पैसा, ठीक है ना। तो जिससे भी हम पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं, सस्टेन करते हैं, सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई मछली पकड़ के उसको बेच के पैसे कमा रहा तो मत्स्य पालन है, या फिर अगर आप जंगलों से लकड़ी काट के लाके अपना गुजारा कर रहे हैं तो वो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो समय के साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होती है, होती रहती है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है। तो आपने पढ़ा था पालमपुर में जो है जो मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें सबसे नंबर वन पे था फार्मिंग, दैट इज एग्रीकल्चर। उसके बाद आपने डेयरी फार्मिंग भी पढ़ा था कि डेयरी फार्मिंग भी वहां पे होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है वहां पे। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है वहां पे एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। सो देन डेयरी फार्मिंग भी थोड़ा बहुत होता है, देन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी होता है ना। तो ये छोटे मोटे कार्य भी होते हैं वहां पे, लेकिन फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। अब हम जो फार्मिंग एक्टिविटी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे पालमपुर में, कि वहां पे फार्मिंग एक्टिविटी जो है उसका क्या रूप है, मतलब किस वे में किया जाता है, क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है लैंड इज फिक्स्ड। आपको पता है कि भूमि जो होती है, लैंड है, वो फिक्स है, आप उसे घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, सो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अबाउट 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जो जो मैं चीज अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके नोट्स में आ जाएगा कि 75% पीपल जो है दे प्रैक्टिस फार्मिंग एंड उनका जो है गुजारा है या फिर जो लाइवलीहुड है वो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब समझ ले कि मोर देन 50% ऑफ पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब ये कुछ फार्मर्स भी हो सकते हैं उनमें से और कुछ फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स कौन होते हैं, हु ओन देयर ओन लैंड, जिनके पास खुद की जमीन होती है एंड दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन दैट फार्म एंड दे अर्न इनकम और यू नो जो भी है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। ऑन दी अदर हैंड फार्म लेबरर्स आर दोज हु डू नॉट ओन देयर ओन लैंड बट दे वर्क ऑन दी फील्ड ऑफ सम अदर फार्मर। ठीक है, तो कुछ ऐसे और गरीब किसान होते, कुछ लोग होते हैं गाँव में जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, तो वो एज ए लेबरर, एज ए फार्म लेबरर, क्योंकि वो खेत में काम कर रहे हैं तो उनको हम फार्म लेबरर कहते हैं, तो दे आर वर्किंग एज ए फार्म लेबरर ऑन दी फील्ड ऑफ सम अदर फार्मर्स। ठीक है, तो ये दो लोग हो गए, लेकिन इन दोनों की इनकम किससे हो रही है, जमीन से ही हो रही है, फार्मिंग से हो रही है। देन अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा इन खेतों में तभी इनकी जो है वेलबींग अच्छी होगी। मतलब अगर मान लो क्योंकि टोटली दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, तो अगर प्रोडक्शन जिस साल अच्छा होता है तो उस साल जो है इनको इनकम होती है और इनकी पूरी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो वेलबींग होता है, जो इनके फैमिलीज की खुशहाली होती है, वो प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करती है। अगर मान लो किसी ईयर जो है क्रॉप फेल हो गया फॉर वन और द अदर रीजन, या फिर प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो इन दैट केस जो ये फार्मर्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो भी क्या हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ किस पर डिपेंड होती है, इकोनॉमिकली वो वीक हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो पैसे कमाने का जरिया क्या है, सिर्फ फार्मिंग है। ठीक है, तो मतलब गरीबी या और सारी प्रॉब्लम वो फेस करना शुरू कर देते हैं अगर फार्मिंग जो है प्रॉपर नहीं हुई तो। बट रिमेम्बर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है,
कि आप जो है फार्म प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। जितनी आपके पास जमीन है, लैंड एरिया इज फिक्स्ड। मान लो अगर आपके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ जमीन है, तो वो आपके पास फिक्स रहेगा। आप जैसे आपने पढ़ा था ना, लैंड जो है ये, देन आपका बिल्डिंग है, ये सब फिक्स कैपिटल है, मतलब आप उसको बढ़ा नहीं सकते, है ना। जितनी जमीन है उतनी रहेगी, आप उसको बढ़ा तो सकते नहीं हो। सिंस 1960 इन पालमपुर देर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर, लैंड एरिया अंडर फार्मिंग। 1960 से ही पालमपुर गांव में जितनी कृषि लोग पहले करते थे, 1960 से अभी भी उतनी ही कर रहे हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी कृषि पहले होती थी उससे ज्यादा कृषि हो रही है, एरिया उतने का उतना ही है। बट थोड़ा बहुत जो वेस्ट लैंड था गांव के आसपास, थोड़ा सा ऐसी भूमि होती है, लैंड होता है जो खराब होता है, मतलब उसको या तो वहां पे खलिहान होते हैं, या फिर मान लो वहां पे ऐसे ही घास फूस उगे होते हैं, तो उसको कोई यूज नहीं करता है। तो उसको उन्होंने थोड़ा बहुत जो है खेती में यूज कर लिया, वरना ज्यादा इसमें चेंज नहीं आया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। और आगे जो है नई जमीन, न्यू लैंड जो है कल्टिवेशन में लाने का इनके पास कोई भी जरिया नहीं है, क्योंकि जमीन है ही नहीं वहां पर, मतलब बहुत कम जमीन है। तो अब देखते हैं फिर। तो पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, जो पहला पॉइंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लैंड एरिया जो होता है वो फिक्स होता है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते हो। उसी तरह से पालमपुर गांव में जो भी लैंड एरिया था वो फिक्स है, जो उनके पास, जो हर फैमिली के पास जमीन है वो उसी में खेती कर रहे हैं, उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो अपनी फार्मिंग को और इंक्रीज कर सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है फार्मिंग में। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब आपको पता चल गया है कि लैंड जो है वो तो आपका लिमिटेड है, ठीक है, आप उसे फिक्स है, आप यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द लैंड। सो व्हाट विल यू डू नाउ? ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर आप कुछ इस तरह से खेती करिए कि उसकी प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लैंड इज लिमिटेड, लैंड जो है आपका खेत जो है उसका साइज आपके पास लिमिटेड है, बट आपको इसी लैंड में जो है इस तरह से खेती करनी है, इस मेथड से खेती करनी है, और ऐसे कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से इसी में आपका जो है फार्मिंग, जो प्रोडक्शन है वो जो है आपका इंक्रीज हो जाए, और आपका जो फैमिली है, जो फार्मर्स की फैमिली है, वो अच्छे से जो है सर्वाइव कर सके और अच्छे से अपनी लाइफ बिता सके, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे, तो इस पूरे पैराग्राफ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप मान लीजिए कि यूपी का जो वेस्टर्न साइड है वहां का ये गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पालमपुर गांव में जितना जितनी जमीन है उसके आसपास, उसमें सब पे खेती होती है। जमीन का एक भी हिस्सा जो है, टुकड़ा जो है, वो बिना खेती के नहीं है। मतलब एक्टिवली साल भर में कम से कम 2-3 बार तो खेती हो जाती है उसमें, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब देखो क्या क्या, ये सब आपको बहुत अच्छे से सुनना है कि वहां पे किस तरह की खेती होती है। जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो उस समय खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। खरीफ मतलब चावल है जैसे, क्योंकि तो रेनी सीजन है, बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लाइक चावल, राइस को ग्रो किया जाता है। एंड देन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो खरीफ में, रेनी सीजन में जो फार्मर्स हैं वो क्या ग्रो करते हैं, ज्वार एंड बाजरा। और ज्वार एंड बाजरा किस काम उनके आता है, कैटल्स को फीड करने में, मतलब जो उनके कैटल्स होते हैं, गाय है चाहे भैंस है, उनको वो ज्वार एंड बाजरा खिलाते हैं, ठीक है। देन इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो इन्होंने क्या किया, रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा ग्रो किया, देन उसके बाद 2-3 महीने बाद जब ज्वार बाजरा कट जाता है, ग्रो हो जाता है, उसको काट दिया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, फिर उसके बाद वो क्या ग्रो करते हैं, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में वो क्या ग्रो करते हैं, खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, वो क्या ग्रो कर देते हैं, उसमें बो देते हैं पोटैटो, ठीक है, पोटैटो ग्रो कर देते हैं उसमें। और उसके बाद क्या होता है कि जब पोटैटो ग्रो करने के बाद क्या होता है, उसके बाद ठंडियों का मौसम आ जाता है ना, दिसंबर में तो आपकी ठंडियां स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, खेतों में रबी क्रॉप ग्रोते हैं, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो उसे खरीफ सीजन कहा जाता है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसे रबी सीजन कहा जाता है, RABI, तो ये याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी ऋतुएं होती हैं, एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं, और एग्रीकल्चर सीजन में बेसिकली 3 सीजन होते हैं, जिसमें पहला सीजन है आपका बारिश का मौसम, रेनी सीजन, जिसमें हम चावल की खेती करते हैं, तो उसको हम कहते हैं खरीफ सीजन।
फिर आता है सर्दी का मौसम जिसमें आपकी बारिश कम होती है, उस समय मेनली गेहूं को बोया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रबी सीजन। उसके बाद जैद आता है, ये आपका अभी जो चल रहा है आपका मार्च अप्रैल मई, ये आपका जैद सीजन है। और इसमें आपको खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, जो आपके वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो उसी तरह से पालमपुर गाँव में भी आप देखिए, एक साल में ही ये 3 बार खेती कर रहे हैं। एक बार इन्होंने खरीफ सीजन में किया, दूसरा इन्होंने जो है पोटैटो को ग्रो किया 2-3 महीने में, और उसके बाद पोटैटो जब हट गया तो इन्होंने क्या ग्रो कर दिया, वीट। ठीक है, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रानी रायगंज। ठीक है, तो जो किसान होते हैं उनके लिए मेन क्रॉप होता है वीट। ठीक है, किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे चावल और जो गेहूं होता है वही सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है, स्टेपल क्रॉप होता है, क्योंकि उसी से जो है हमारा खाना पीना और उसको मार्केट में सेल करके ही जो है फार्मर्स की इनकम होती है। तो हर फार्मर जो होता है वो इतना गेहूं उगा लेता है खेत में ताकि वो उसको खुद कंज्यूम कर सके, अपने लिए एक्सेस बचा सके, और बाकी जो बचता है उसको मार्केट में सेल करके पैसे कमा सके। ठीक है, जो नियरेस्ट मार्केट है रायगंज का। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। अब कुछ हिस्सा वहां पे गांव में जो कुछ किसान है वो शुगर केन भी ग्रो करते हैं, गन्ना भी ग्रो करते हैं, और शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शुगर केन को वो ऐसे ही मतलब एज ए शुगर केन को जो कच्चा होता है तोड़ के, मतलब शुगर के कच्चा मीन्स की जो शुगर केन का जो प्लांट होता है उसको वो बेच देते हैं, या फिर वो उसका गुड़ बना देते हैं, जैगरी बना के उसको शाहपुर का जो उनका नियरेस्ट मार्केट है वहां पर उसको बेच देते हैं। नाउ द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी चीजें बताई, तो देखो पहला पॉइंट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि किसी भी जगह पे लैंड जो होता है वो लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, आप लैंड को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट ये आता है कि अगर हम लैंड एक्सपेंड नहीं कर सकते तो हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें। हमें प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना ही है ना, हमें अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है, हमें मार्केट में बेचना है, और वो तभी बेच पाएंगे जब प्रोडक्शन एक्सेस होगी, ज्यादा होगी, है ना। जब अच्छी प्रोडक्शन होगी तभी तो हम मार्केट में बेचेंगे और खुद के लिए बचाएंगे। तो इस पर्पस के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, कर सकते हैं कि मतलब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो। उससे पहले आपने देखा कि जो आपका पालमपुर गांव है इसमें लोग जो है साल भर में 3 टाइम्स जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग 3 टाइम्स कर रहे हैं, है ना। एक तो खरीफ सीजन में बारिश के मौसम में चावल और ज्वार बाजरा ग्रो करके, देन आपका रबी सीजन में वीट ग्रो करके, पोटैटो ग्रो करके एंड शुगर केन। तो तीन दो ती, तीन तीन बार मिनिमम तो इनकी जो है कृषि हो ही रही है। इसका मतलब कि वो उसी लिमिटेड लैंड में मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। मतलब जब आप लिमिटेड एरिया में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन आप करते हो तो इसको हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लैंड एरिया तो लिमिटेड है, लेकिन हमने उसी लिमिटेड एरिया में जो है अब 3 या 4 बार साल भर में खेती करके अच्छा खासा जो है क्रॉप्स को ग्रो कर लिया है, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है सामने कि हमने ये 3-4 टाइप की क्रॉप एक ही खेत में से कैसे ग्रो कर लिए, क्या क्या हमने मेथड यूज किया, ऐसी क्या क्या रीजन है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक ही साल में एक ही खेत से इतने सारी चीजों को ग्रो कर पाए हैं। तो उसका मेन रीजन है आपका सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब पालमपुर गांव में अगर लोग सक्सेसफुली इतने सारे क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं एक ही ईयर में, तो उसके पीछे इसका मतलब है कि उनके पास पानी की कमी नहीं है, उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो इंडिया में कहीं भी बारिश बहुत रेगुलर नहीं होती, बहुत ही जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो अगर हम बारिश के भरोसे रेनफॉल के पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई मतलब जब हमें बारिश का पानी नहीं मिल पाता है तो हम क्या करते हैं, नहरों से या फिर हम ट्यूबवेल से क्या करते हैं, पानी खेतों में डालते हैं, और इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करना। जब बारिश से काम ना चले तो सिंचाई से पानी आप खेतों में डालिए, जिससे कि जो आपके क्रॉप्स है उनको पानी की कमी नहीं होगी और प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, बेहतर होगा। देन इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अब देखो इसका मतलब, देखो पालमपुर जो है अच्छा खासा विलेज है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इरिगेशन काफी अच्छा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, देन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पर जो है इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन वीज वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट
स्मॉल फील्ड्स। देखो जब तक पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, उससे पहले तक जो आपके फार्मर्स थे वो क्या यूज करते थे, एक तरह का पर्शियन व्हील यूज करते थे, और उसको उससे क्या करते थे, पानी निकालते थे कुएं से, और कुएं से पानी खेतों में डालते थे, ठीक है। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव में पहुंच गई है, तब से क्या हुआ, फार्मर्स अब ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंचाई जो है वो जो है कई गुना इंक्रीज हो गया है। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं वो ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कुएं से कितना कितना खेत इरिगेट कर सकते हो, बहुत ही छोटे खेत को इरिगेट कर सकते हो, लेकिन बड़े खेत खेत को नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्यूबवेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे कई गुना पानी निकलता है, और वो बहुत ही लंबे चौड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो आपका फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी होने का वहां पे, कि ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल आप सबने मुझे लगता है देखा होगा, क्या आप सभी ने ट्यूबवेल देखा है? तो यस बच्चों मैम, ट्यूबवेल देखा है ना, यस मैम, ट्यूबवेल में आपका गांव में, यस हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है तो कितना सारा उसमें से पानी निकलता है, वो बहुत लंबे चौड़े, और उससे वो बना देते हैं ना आपका जो क्या बोलते हैं उसको, नाली टाइप का ऐसे मतलब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं खेतों में, जिससे पानी हर डिफरेंट जो है खेतों में पहुंच जाता है। तो पालमपुर में पहला जो ट्यूबवेल था वो सरकार ने इंस्टॉल किया था, लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंट जो किसान जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी खरीद लिया, और वहां पे जो है इरिगेशन कई गुना इंक्रीज हो गया। मतलब इरिगेशन जो है, क्योंकि भाई सबके पास अगर ट्यूबवेल आ जाएगा तो इरिगेशन इंक्रीज हो गया वहां पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या देते हैं, देखा है, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। जैसे पालमपुर गांव में इरिगेशन की फैसिलिटी है, वैसे पूरे भारत में नहीं है। सिर्फ आपके जो गंगा एरिया है जहाँ पे, क्योंकि वहां पे नदियां हैं, देन कोस्टल एरिया है जहाँ पे समुद्र का किनारा है, तो यहाँ पे वेल इरिगेशन होता है। लेकिन जो आपके पठार क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे इरिगेशन बहुत ही कम है, लो लेवल ऑफ इरिगेशन। मतलब क्योंकि यहाँ पे नदियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो नदियां हैं वो भी मौसमी नदियां, मौसमी मतलब कि जैसे गर्मी का मौसम आता है पानी कम हो जाता है, तो यहाँ पे इरिगेशन जो है सिंचाई के स्रोत काफी कम है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टूडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी हम कृषि पे डिपेंडेंट हैं, हमारे पास जो है सिंचाई के स्रोत बहुत ही कम है। नाउ नेक्स्ट, तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जो टेक्निक यहाँ के लोग यूज कर रहे हैं अपने खेतों पर, कि मतलब एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं साल भर में, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मतलब एक ही जमीन पर एक से ज्यादा जो है आपके क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। अगर हम सिर्फ मान लो गेहूं लगाते रह गए, हम सिर्फ हमने एक साल में गेहूं लगा दिया, बोला कि बस हमारा काम खत्म, तो इससे क्या होगा कि हमारा खेत फालतू का पड़ा रहेगा साल भर, और 3-4 महीने में हमने गेहूं काट के हटा लिया, तो उससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जो भी मंथ होते हैं जिसमें मतलब किसी भी महीने में खेत खाली नहीं होना चाहिए, मान लो आपने गेहूं काटा सर्दियों में, तुरंत आप जो है कोई फ्रूट या वेजिटेबल कुछ लगा लीजिए, देन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो आप चावल लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो खेत है, फार्म है, वो कभी भी आइडल नहीं रहेगा, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से मिलता रहेगा। तो देखिए आपने हर जो है पालमपुर में हर फार्मर कम से कम दो मेन क्रॉप तो ग्रो करता ही करता है, जैसे चावल गेहूं हो गया या फिर पोटैटो हो गया। पोटैटो मतलब थर्ड क्रॉप है, मतलब साइड क्रॉप है, ठीक है। तो मतलब कभी भी जो पालमपुर के गांव के लोग जो है अपना खेत खाली नहीं छोड़ते। तो ये क्वेश्चन मान लो अगर आ जाए कि किस टेक्निक से जो है पालमपुर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, क्योंकि एरिया तो लिमिटेड होता है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीपल क्रॉपिंग के जरिए। और मल्टीपल क्रॉपिंग किस तरह से हो पाई है पॉसिबल वहां पे, क्योंकि वहां पे सिंचाई का स्रोत जो है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब सिंचाई, तो देखो सिंचाई की वजह से पालमपुर में अच्छी खासी कृषि हो रही है, अब कुछ और भी रीजन है वो हम रीजन देखते हैं। ये क्या दे दिया, तो सिंचाई के बाद नेक्स्ट जो है वह है मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग, हमारे जो फार्मिंग के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो देखते हैं फार्मिंग के मेथड्स क्या हैं। एक मिनट जाइए,
ठीक है, देखिए, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। देखो आप बहुत ध्यान सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो एग्जाम में आ गया कि विलेज पालमपुर में प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज की गई थी फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड और द लिमिटेड लैंड और द फिक्स लैंड, मेथड बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड क्या था आपका, मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा क्या था, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, मतलब जो कृषि है उसके नए टेक्निक्स इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब वो नए मेथड्स क्या है उसको हम देखते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों पॉसिबल हो पाई, बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम इन पालमपुर विलेज, ट्यूबवेल्स थे उनके पास, इसीलिए वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाते थे। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न ये फार्मिंग मेथड्स क्या थे। ठीक है, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया कि एक तो टेक्निक थी कि मल्टीपल क्रॉपिंग करना, और दूसरा क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना ताकि हायर यील्ड हमें मिल सके, हायर यील्ड। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन से हैं, क्योंकि आप जानते हो पुराने जमाने में हम लोग खुरपी फौड़ा सब इस्तेमाल करते थे, है ना, तो उससे हमारी फार्मिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। तो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को जो है यूज किया, जिससे कि हमारी फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया, जो हमारा यील्ड है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया। अभी यील्ड क्या होता है, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, मतलब अगर आपने सर्दी के मौसम में गेहूं बोया है तो गेहूं की कितनी पैदावार हुई है, कितने टन गेहूं हुआ है, कितने केजी गेहूं हुआ है, उसी को हम कहते हैं यील्ड। ठीक है, सो सिर्फ एक ही सीजन की हम बात कर रहे हैं कि साल भर में जब आपने एक बार गेहूं बोया या एक बार चावल बोया तो कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने गेहूं बोया तो जब मैंने उसको काटा तो मुझे कितना मिला, 50 किलो या 1 क्विंटल गेहूं मुझे मिला। ठीक है, तो अब मेरा एम क्या है कि मैं इस 1 क्विंटल से जो है, 1 क्विंटल की जगह मैं कुछ ऐसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करूं जिससे मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, यील्ड इंक्रीज हो जाए, और 1 क्विंटल की जगह मुझे 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल जो है प्रोडक्शन या यील्ड मुझे अचीव हो सके मेरे खेतों से, जो कि लिमिटेड है। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, जैसे देखो पहले के लोग क्या ये यूज करते थे कि भाई कुएं से पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं खेतों में, बारिश हुई नहीं कि तो वो यूज कर रहे हैं। देन वो आपने देखा था वो जो बैल थे, बैलों पे वो रख के खेत को जोतते थे। ठीक है ना, उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। देन उसके बाद लोगों के पास ट्रैक्टर भी नहीं था, एंड देन उनके पास फर्टिलाइजर भी नहीं था, वो क्या यूज करते थे फार्मर्स, जो काउडंग है या फिर घरों से निकलने वाला छिलका है सब्जियों का, तो ये सब खेतों में इस्तेमाल करते थे, जिससे इतनी ज्यादा जो है उनको फायदा नहीं होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उनको यूज करने लगे पालमपुर विलेज में, जिससे वहां की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब उसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, भारत में 1960s के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, और इसमें क्या हुआ था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें चावल और गेहूं की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को लाया गया था। और वो फार्मिंग मेथड जो थे वो एक पूरा पैकेज था। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब मॉडर्न मतलब जो नए तरीके के फार्मिंग करने के मेथड्स होते हैं उनको पहली बार लाया गया, इसमें वो पूरा पैकेज था। एक चीज नहीं थी उसमें, कई चीजें थी, जिसमें पहली चीज क्या थी, HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब इसको आप ध्यान सुनेंगे, देखो पहले क्या, हमारे जो फार्मर्स पुराने टाइम में जो बीज इस्तेमाल किया करते थे अपने खेतों में, चाहे वो चावल बोने के लिए चाहे गेहूं बोने के लिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे। ठीक है, उनको ग्रो करने के बाद प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता था, इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में और बहुत मतलब कि बहुत अच्छे से उस पर साइंटिफिकली रिसर्च करके ऐसे बीजों का जो है खोज की, उनका प्रोडक्शन किया, जिससे क्या है, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है। मतलब आम जो बीज हैं, कॉमन बीज हैं, उनसे हटकर HYV सीड्स बनाए गए स्पेशली चावल के लिए, गेहूं के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए, ताकि प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज
हो सके। तो उन सीड्स को हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, मतलब जिनको बोने के बाद यील्ड जो होती है, प्रोडक्शन जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। जबकि जो नॉर्मल जो आपके बीज होते हैं उनको आप चाहे कितना भी कर लो, उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज तो ये की गई कि इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स किया गया। देन दूसरा जो है आपका इरिगेशन के बहुत सारे स्रोत निकाले गए, है ना। सरकार ने जगह जगह डैम बनाया, नहरें बनाई ताकि लोगों तक सिंचाई पहुंच सके, पानी पहुंच सके। एंड देन केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो फर्स्ट टाइम फार्मर्स तक पहुंचाया गया। जैसे आपने फॉस्फेट है, यूरिया है, इनका नाम सुना होगा। तो इनमें क्या क्या होता है, ये बहुत जल्दी जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और इंस्टेंट जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। मतलब जैसे आप ग्रीन मैन्योर यूज करोगे ना तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन आप केमिकल फर्टिलाइजर जब सॉइल में मिलाओगे तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो तुरंत काम करता है और उसके बाद वो तुरंत सॉइल को फर्टाइल बनाता है और जो क्रॉप्स होते हैं वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे प्रोडक्शन आपकी कई गुना इंक्रीज हो जाती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर को लाया गया। एंड देन पेस्टिसाइड को लाया गया। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, कीटनाशक, क्योंकि आपको पता है क्रॉप्स में कभी कभी जो होता है कीड़े लग जाते हैं, है ना। तो कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक को भी फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया। ये सब कौन कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है आपका HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इस चारों ही चीजों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पैकेज टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न आधुनिक, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, जिनको यूज करके हमारे किसानों ने जो है अपने खेतों में प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज कर ली। स्पेशली वीट, जो गेहूं था, आपको पता है कि 1960 से पहले हम बहुत ज्यादा, हमारे देश में भुखमरी होती थी, हम लोग दूसरे देशों से गेहूं खरीदते थे, लेकिन जब से हमारे देश में हरित क्रांति हुई तो हमारे जो स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में जो है, इन तीन प्लेसेस पर जो रीजन में गेहूं की प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज हो गई और फिर हमारे देश में कभी भी अनाज की कमी नहीं हुई, ठीक है। और ये हो कैसे पाया, बिकॉज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो अब देखो मैंने जो है चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है कि पालमपुर गांव में जो है आपका कई मल्टीपल क्रॉपिंग होती है एंड देन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग आप समझ गए क्या होता है, कि एक ही व्हेन एग्रीकल्चर इज डन नंबर ऑफ टाइम्स और मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करके यील्ड को इंक्रीज किया गया। और दूसरी टेक्निक क्या यूज की गई, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते क्या है, कि पहले किसान जो जिस तरह की टेक्निक यूज करते थे वो बहुत ही पुराना था, फौड़े से खेती करना और कुएं से पानी डालना, इरिगेशन करना, देन उसके बाद कीटनाशक की व्यवस्था नहीं थी, फर्टिलाइजर जो है मैन्योर यूज करते थे, ग्रीन मैन्योर, जो कि बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाते सॉइल को, तो इससे प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब से मॉडर्न मेथड्स यूज किया एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, जैसे पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड देन HYV सीड्स, तो इन चारों को ही यूज करने की बात क्या हुआ कि इंडिया में प्रोडक्शन, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की, इंडिया में या फिर जैसे पालमपुर की हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो थी वो कई गुना इंक्रीज हो गई और इसी को कहा जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। देखो पालमपुर का जो है गांव है उसको लेकर हम पूरे भारत को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरह से, तो अगर हम इंडिया की बात करें या पालमपुर की बात करें तो बात सेम होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इस, ये जो पैकेज टेक्नोलॉजी थी 1968 के टाइम भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इस हरित क्रांति, क्योंकि हरियाली पूरी पूरे भारत में छा गई थी। हरियाली मतलब कि गेहूं आप जानते हो हरा ही होता है जब वो ग्रो होता है, तो उससे क्या हुआ कि हमारे देश में प्रोडक्शन जो है थी गेहूं की बहुत इंक्रीज हो गई और इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशियंट हो गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो फार्मर्स थे सरकार ने उनकी पूरी मदद की, जिससे कि क्या हुआ यहाँ पे जो है इरिगेशन के स्रोत यूज किए गए, HYV सीड्स यूज की गई और इन यहाँ पे फार्मर्स को मशीन्स भी प्रोवाइड की गई सस्ते रेट पे, लाइक ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, मैकेनिकल थ्रेशर्स हैं, ये सब उनको प्रोवाइड किया गया ताकि वो जो कृषि है वो बेहतर तरीके से कर पाए। और जिसका रीजन क्या था कि इंडिया में आपका जो प्रोडक्शन था वो कई गुना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन मतलब
कि अगर आपने इतनी चीजें अपने खेतों में इस्तेमाल की हैं तो क्या जमीन उतना झेल पाएगी, उतना सस्टेन कर पाएगी। अब हमने देखो उस समय हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे कृषि बहुत अच्छी नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं था, हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते थे खाने पीने का सामान, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो। तो उस समय हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी पूरी इस्तेमाल कर ली, लेकिन बाद में चल के हमें उसका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल हमें बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उसमें HYV सीड्स यूज किया, और HYV सीड्स जो है तभी सक्सेसफुल होता हो पाता है जब आप उसमें प्रॉपर अमाउंट में पानी डालोगे और प्रॉपर अमाउंट में उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, तभी HYV सीड्स जो है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उन्होंने अंधाधुंध पानी और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया अपने खेतों में, जिसका नतीजा क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जो लैंड है वो डिग्रेड हो गए, खराब हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होता है कि आप उसमें केमिकल्स होते हैं, आप जैसे उसमें सॉइल में मिक्स करोगे केमिकल फर्टिलाइजर को, तो वो तुरंत जो है वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, और इंस्टेंट जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, जिससे क्रॉप्स तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि वो लंबे समय तक केमिकल्स को रिटेन करके जो है सॉइल नहीं रख पाती है। और एक समय के साथ साथ क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है ना। ज्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, आप वही बात है, सपोज आप बार बार दवाई खाते रहो, मेडिसिन खाते रहो, ठीक है ना, आपको हेडेक हो रहा है, आपको ठीक होना है, तो आपने क्या किया, मेडिसिन खा लिया। अगर आप ऐसे मेडिसिन खाते रहोगे तो उस समय तो आपकी दवाई, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन लंबे समय में आपको उसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको उसका निगेटिव झेलना, जैसे पेंक्रियाज आपके वीक हो जाएंगे, लीवर पे असर पड़ेगा आपका, है ना, जो ज्यादा मेडिसिन खाने से। तो वही बात है कि जब केमिकल मेडिसिन, इसलिए कहा जाता है ना कि आपको जो है आयुर्वेदिक या ये सब घर की चीजें पहले करनी चाहिए, और जो केमिकल है जो आपके मेडिसिन होते हैं उनको बाद में यूज करना चाहिए, क्योंकि केमिकल जो होता है उस समय आपको रिलीफ देता है लेकिन बाद में चल के वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जबकि आपके जो आयुर्वेदिक और जो आपके इस तरह की इन्वायरमेंटल नेचुरल जो चीजें होती हैं वो जो है आपको टाइम लगता है उसको आपको फायदा पहुंचाने में, लेकिन वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करती है। तो उसी तरह से जैसा आपकी बॉडी है वैसे ही लैंड भी है, अगर लैंड में आप पे केमिकल फर्टिलाइजर जितना आप इस्तेमाल करोगे उस समय तक के लिए तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, मतलब बहुत प्रोडक्शन अच्छी हो गई, मतलब ऐसा एक्चुअली हुआ भी, लेकिन जब से, लेकिन जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल बीते तब उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि पूरी की पूरी जो मिट्टी थी वो या तो उसमें नमक हो गया या तो वो एल्कलाइन हो गई, एसिडिक हो गई, तो पूरा का पूरा जो आपका जमीन था वो खराब होना शुरू हो गया। देन दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, वाटर वाटर टेबल जो था वो नीचे होना शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हर घर में लोगों ने ट्यूबवेल खरीद लिया, ठीक है ना, अब मनमानी तरीके से पानी समा छोड़ दिया, पानी पूरे दिन भर पानी बह रहा है ना। तो इस तरह से लोगों ने बहुत ही ज्यादा मतलब केयरलेसनेस किया, जिसकी वजह से जो है वाटर टेबल नीचे चला गया, और ये भी एक इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो सॉइल फर्टिलिटी जो थी वो कम हो गई और ग्राउंड वाटर कम हो गया। तो ये सारी जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। तो आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर, जो भी पैकेज टेक्नोलॉजी है उसने हमें स्टार्टिंग में तो काफी फायदा पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो है हमें उससे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही पढ़ते हैं, आप देखते हैं, और इसमें आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें मैं आपको भी बता देती हूँ क्या है कि जो विलेज पालमपुर है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी फार्मिंग, लोग मैक्सिमम फार्मिंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या है फार्मिंग के साथ कि जो लैंड होता है वो फिक्स होता है, उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो फॉर दैट पर्पज जो पालमपुर के लोग के गांव के लोग थे उन्होंने क्या टेक्निक यूज की, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही जमीन पर वो साल में 3-4 बार खेती करते थे, इससे उनको ज्यादा रिटर्न मिलने लगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो करना सीजन के अकॉर्डिंग, तो मल्टीपल क्रॉपिंग की। दूसरा उन्होंने क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें आप HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आप यूज करते हो, पेस्टिसाइड यूज करते हो, कीटनाशक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो, एंड सोर्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करते हो। तो ये चारों चीजें जब आप यूज करते हो तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज हो जाती है, और भारत में ऐसा ही हुआ था 1960 के दशक में, और इसको कहा गया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इसको हम पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि एक ये पूरा एक पैकेज था,
ठीक है ना। इसमें कई चार पांच चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस की गई थी, HYV सीड से लेके, इरिगेशन से लेके, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, देन गांव गांव तक बिजली पहुंचाई गई थी ताकि मैकेनिकल हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एंड जो ट्यूबवेल्स हैं वो रन हो सके। जो किसान थे उनको कम रेट पर मशीन्स प्रोवाइड की गई थी सब्सिडी रेट पर, लाइक ट्रैक्टर्स हैं, मैकेनिकल हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स हैं, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की गई थी, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इंडिया जो था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया। हरा भरा इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे व्हीट की प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इंडिया जो था, जो पहले एक्सपोर्ट करता था, खरीदता था दूसरे देशों से गेहूं चावल, अब वो क्या हो गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा, और हमारे देश से भुखमरी बिल्कुल ही खत्म हो गई। मतलब उल्टा हमारे पास इतना अनाज बचा तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, और ये बेसिकली हमारे इंडिया में ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन आगे चल के इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर का जो है वो बुरा इम्पैक्ट पड़ा लैंड के ऊपर, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर, और पूरा लैंड जो था वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। उसकी प्रोडक्टिविटी, जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी थी, वो कम हो गई। एंड देन पानी का जो लेवल था, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में फार्मर्स ने ट्यूबवेल यूज किया, अंडरग्राउंड वाटर जो था उसका लेवल बिल्कुल ही नीचे चला गया, वाटर टेबल नीचे चला गया। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कल करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया बच्चों, आपको समझ में आया? यस यस मैम, मैम, यस यस मैम। बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। तो आप जो हैं इसको एक बार, जो भी मैं आपको भेजूंगी इसका जो भी ये रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अभी मैं